हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड बेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड मेथड की, नंबर के थर्ड मेथड की, जो कि है टू फिक्स्ड। इसके लिए चलते हैं हमारे नोटपैड एडिटर में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टू फिक्स मेथड है वो क्या करता है। सबसे पहली चीज़ तो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये डेसिमल नंबर के अंदर हमें रिटर्न करता है। ठीक है, जो भी हमें रिटर्न करेगा, जो भी नंबर होगा हमारा, उसे डेसिमल्स के अंदर रिटर्न करेगा। अब इसका सिंटैक्स देखें तो क्या होगा, जो भी हमारा नंबर है या स्ट्रिंग है या वेरिएबल है, डॉट टू फिक्स्ड और वो नंबर, डॉट टू फिक्स्ड और वो नंबर। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें, रन को चलाएं, हमने जो एक नंबर ले लिया 13.656 ले लिया, ठीक है, str ले लिया, str डॉट फिक्स्ड। अगर इसको हम एक करते हैं विदाउट किसी नंबर के, ये ऑप्शनल होता है, जो नंबर आता है ये ऑप्शनल होता है, तो आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। फिर हमने टू टाइम्स ले लिया, फिर फोर टाइम्स ले लिया, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पहले वाले को तो इसने क्या किया, राउंडेड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिक्स था तो इसको 14 कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, अगर हमने कोई नंबर नहीं दिया है तो, अगर हम टू देते हैं तो डेसिमल के टू डिजिट तक के नंबर देता है ये हमें, जो भी आया इस लास्ट वाले को इसने राउंडेड कर दिया, तो 13.66 आ गया। फोर लिखा तो इसने क्या दिया, फोर डिजिट तक का नंबर दिया। अब मान लो थ्री डिजिट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये जीरो लगा देगा। तो इस तरीके से टू फिक्स्ड इसको कन्वर्ट करता है, डेसिमल के बाद के ये नंबर होते हैं, जो भी हम ये नंबर देते हैं बीच में इसमें पैरामीटर्स देते हैं, वो डेसिमल के बाद तक के नंबर होते हैं, तो उस चीज़ को मैनेज करता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से टू फिक्स जो होता है नंबर का मेथड काम करता है। हो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।